तो गाइस मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हो रेसल इन दी फैक्ट्स। तो भाई सुपरस्टार स्पेक्टिकल हो चुका है ओवर और भाई जॉन सीना सेथ रोलिंस का मैच हुआ था मेन इवेंट में। भाई मैच के बाद जॉन सीना ने काफी ज्यादा इमोशनल प्रोमो कट करते हुए नजर आए थे। तो भाई उस प्रोमो में जॉन सीना ने क्या कुछ बातें करी, इस वाली वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं कि क्या कुछ जॉन सीना ने उस प्रोमो में बात करते हुए नजर आए थे। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसी प्रोमो के बारे में। बाकी इस वाली वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, 3000 सब्सक्राइबर के हम लोग काफी ज्यादा करीब हैं, तो चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर देना। बाकी चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो जॉन सीना मतलब हाथ में माइक लेते हैं और जॉन सीना सबसे पूछ रहे होते हैं कि मतलब मेरी आवाज सब तक आ रही है नहीं आ रही, एक बार बताओ भाई। तो सब लोग मतलब क्राउड पूरी मतलब हाँ हाँ बोलती है, मतलब जॉन सीना के चैंट लगाना चालू कर देती है। फिर जॉन सीना मतलब बोलते हैं कि सबसे पहले तो मैं तुम सबका थैंक यू करना चाहता हूँ कि तुमने मुझे यहाँ पे अलाउ किया परफॉर्म करने के लिए, और मैं जो चीज मैंने आज करी ये मैं चीज 20 साल पहले करना चाहता था, और 20 साल पहले जैसे कि मैंने सोचा था कि मतलब इतना मुझे सपोर्ट मिलेगा उससे भी भाई डबल सपोर्ट तुमने आज मुझे दिखाया। तो भाई जॉन सीना इस तरीके से पूरे थैंक यू वगैरह बोल रहे होते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई इंडिया के क्राउड को, और काफी ज्यादा इमोशनल भी हो चुके थे भाई जॉन सीना, जैसे कि आप लोग भाई फोटोज में देख सकते हैं भाई कि जॉन सीना कितना ज्यादा इमोशनल हो चुके हैं। और भाई जॉन सीना इमोशनल इसलिए भी होगा क्योंकि भाई जॉन सीना का जैसे कि भाई सभी को पता है कि जॉन सीना इंडिया से काफी ज्यादा कनेक्टेड है। जब भी भाई इंडिया से रिलेटेड कुछ भी होता है तो भाई जॉन सीना जरूर से हमें पोस्ट वगैरह करते हुए नजर आते हैं भाई, और जॉन सीना भाई इंडिया से काफी ज्यादा कनेक्टेड है, तो इसलिए भाई जॉन सीना काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए नजर आए थे। और जॉन सीना के काफी ज्यादा चैंट भी लगते हुए नजर आए थे भाई, काफी ज्यादा चैंट लगते हुए नजर आए थे, और जॉन सीना भाई इस चीज को कभी नहीं भूलेंगे, और जॉन सीना काफी ज्यादा ग्रेटफुल महसूस करते हैं इस चीज को कि भाई जॉन सीना को परफॉर्म मतलब इंडिया में आके जॉन सीना ने परफॉर्म किया। तो यही कुछ भाई जॉन सीना ने अपने प्रोमो के अंदर बोला जो कि मैंने आप सभी को बता दिया। भाई जॉन सीना काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो गए थे, और भाई जॉन मैं आप सभी को बता दूं भाई जॉन सीना ये मतलब पहली बार इंडिया में आए हैं, मतलब पहला मैच रेसल करने आए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि भाई जॉन सीना का ये आखिरी बार टूर है मतलब इंडिया में। अब इसके बाद जॉन सीना नहीं आएंगे क्योंकि भाई आप सभी को पता है कि जॉन सीना कितने ज़्यादा बिजी आदमी है, और भाई जॉन सीना मतलब इस समय फ्री हैं, इसलिए भाई जॉन सीना इंडिया आ गए और भाई पहला मैच अपना रेसल कर चुके हैं। भाई इसके बाद मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाई जॉन सीना इंडिया आते हुए नजर आएंगे। तो भाई जितने भी फैंस गए थे वो काफ़ी ज़्यादा लकी हैं, और भाई हम तो जा नहीं पाए क्योंकि भाई हैदराबाद में शो था, और भाई हम रहते हैं भाई दिल्ली में, तो दिल्ली से भाई हैदराबाद काफ़ी ज़्यादा दूर है भाई, तो खर्चा भी ज़्यादा हो जाता, तो भाई इस मारे भाई गए नहीं हम लोग, और पता भी नहीं था कि जॉन सीना मतलब आने वाला है क्योंकि भाई जॉन सीना को बाद में एडवर्टाइज कर रखा था सुपरस्टार स्पेक्टिकल के लिए। तो भाई जितने लोग भी गए उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब वो सब काफ़ी ज़्यादा लकी फैंस हैं, तो भाई जॉन सीना भाई इंडिया में आ गए। तो भाई इस वाली वीडियो के लिए बस इतनी कुछ था, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही WWE से रिलेटेड अपडेट के लिए।